कौन है इस जहान में जिन्हें धोखा नहीं मिला, शायद वही ईमानदार हैं जिन्हें मौका नहीं मिला। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मगन होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों और बताइए, सब कैसे हैं आपकी फैमिली में? तो दोस्तों इधर मेरा डेली का रूटीन शुरू हो चुका है, वो भी किचन से, और किचन ही से शुरुआत हुई है मेरी। तो इधर देख लीजिए, मैं लगा रही थी झाड़ू, इन दोनों भाई भाई में झगड़ा हुआ है, कुछ आपस में कुछ हो गया है। तो भाई से तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं ना, दोनों में प्यार भी बहुत ज़्यादा है और लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है, और पिसती हूँ बीच में मैं। जैसे बोलते हैं ना, गेहूं के बीच में घुन पिस जाते हैं, उस तरह कुछ मेरा हाल होता है। अब मैं झाड़ू लगा रही थी, मेरे से झाड़ू छीना, झाड़ू नहीं लगाने दे रहे थे, बहुत मुश्किल से माने हैं। तो मन की मानी कर रहे हैं उधर साइड में जाके, क्योंकि अभी इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और ये मेरे पास आ जाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं मेरे को, उनको कुछ नहीं बोलेंगे। और इन दोनों में झगड़ा भी हो जाता है बहुत जल्दी, प्यार भी हो जाता है, प्यार भी बहुत जल्दी। और मैं दोनों के बीच मगर उनको बोलूं तो वो गुस्सा हो जाते हैं, उनको बोलूं तो वो गुस्सा हो जाते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। और पता है आपको, मैं बताना चाहती हूं, सुनो, ये जो हैं छोटे वाले हैं, बड़े वाले को इतना मारते हैं, बाल पकड़ पकड़ के पूरा इतना मारते हैं ना, बहुत ज़्यादा मारते हैं। तो ये ना मार भी लेंगे और गुस्सा भी दिखाएंगे, उनको मारेंगे। और वो तो समझदार हैं, बाबू मेरा बड़े वाले तो समझदार हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं और थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाते हैं और मारते भी हैं। तो इधर मैं दोस्तों बात ही करते करते, मैं इनकी बात करते करते मैं आ गई इधर बेड पे। तो इधर मेरे को ना मतलब खाने के लिए मेरे बाबू बोले, मम्मी मुझे पीली वाली खिचड़ी तहाड़ी बना दो, जिसको पुलाव घर के बोलते हैं। तो और हस्बैंड के लिए जैसे वो मतलब बना दी थी खाना वगैरह, वो खा के चले भी गए थे। और दोस्तों ये ब्लॉग मेरा है, दोपहर का टाइम का ब्लॉग है, दोपहर ये 3 बजे करीबन का ब्लॉग है, क्योंकि आज का ऐसे कुछ हुआ था ना, मैं आज हम लोग सोए नहीं और ऐसे ही बात करते करते थोड़ा मोड़ा, और बस ये दोनों आपस में कर रहे थे और मैं कुछ काम में बिजी हो गई थी, क्योंकि घर के अलावा मतलब मुझे से और भी काम ऐसे कुछ होता है ना, जो नहीं कभी किया है, तो उसको भी मैं देख दुखा रही थी, बस वही देख रही थी, क्योंकि आप लोगों से शेयर कर ही देती हूँ। बेड में कपड़े वगैरह निकाले थे ना, ठंडी ऐसी आ गई है तो इसके लिए कपड़े वगैरह निकाले, मैं नहीं सोई आज। तो वही मैं बोल रही थी ना, आपस में दोनों झगड़ा करते हो, अब मेरे को बीच में कर देते हो, और इधर मेरे बाबू बैठे हैं। मैं आज ना ये पुलाव बना रही थी, तो मैं मूँगफली के दाना डालने वाली थी, छील रही थी बैठे बैठे, और फिर ये मेरे ये अनुज बोले ना कि मेरे को नहीं खाना मम्मी, मूँगफली डालोगे ना तो मेरे को नहीं खानी। तो मैं सोची चलो नहीं खाएंगे तो मैं नहीं डालूँगी, फिर मैंने नहीं डाली। फिर मैं आलू भी छीलने लगी, आलू छील रही हूँ, लहसुन भी आज वही सब डालूँगी, और जैसे बनता है वैसे ही बनाऊँगी। तो मैं इधर ही छील रही थी बैठे बैठे, इन लोगों ही से कर रही थी बातें, और मूँगफली अब आ गए हैं तो वही कुटक रहे थे। और तो मैं सोची ना, बोलते हैं मूँगफली गर्म होती है, जैसे और कोई बोलता है सर्दी लग जाती है, मेरे यहाँ तो बोलते ना मूँगफली मत खिलाओ सर्दी लग जाएगी, वो भी मतलब कच्ची मूँगफली थी, भुंजी नहीं थी, तो कच्ची ही खा रहे थे। मैं भी सोची सर्दी लग जाएगी, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो मैं इनको मना कर रही थी और ये लोग इधर इन्हीं से दोस्तों में बातें करती जा रही थी और इधर से उधर कर रहे थे। और जानती हो बच्चे होते हैं जहाँ पे वहाँ पे थोड़ा मोड़ा तो इधर को उधर 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 करते हैं, और शरारती करना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना। फिर भी मेरे अनुज तो बड़े हो गए हैं, ये तो भी छोटे हैं, पर हाँ सुनते नहीं हैं, अगर जिद कर लेते हैं ना फिर सुनते नहीं हैं, ऐसे हैं मेरे छोटे वाले बाबू। कभी कभी दोस्तों पता नहीं कैसा लगता है, अजीब टाइप का लगता है, अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं कैसा लगता है, सब छोड़ छोड़ा के मतलब छोड़ दो, सब कुछ ना करो और चुपचाप एक साइड में, मेरा मन ऐसे करता है कभी, पता नहीं क्यों, एक साइड में बैठ के चुपचाप बैठ जाऊँ, किसी मतलब कोई मेरे पास ना आए, और एकदम जैसे अकेलापन अकेलापन जैसा, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा लगता है ऐसे। और इनकी देखो, इधर बड़े वाले ये खा रहे थे जैम और क्या नाम के ब्रेड,
इस टाइम को जैम ब्रेड खाता है, ये लगा के ऐसे खा रहे थे। मैं बोली मेरे को खिलाने जा रहे थे, मैं बोली नहीं मुझे नहीं खाना है, तुम ही खा लो। तो ये खा रहे थे और ये ऐसे ही करते हैं, फ्रिज ले आके फ्रिज में रख दिया और इनकी ये लड्डू खा रहे हैं। और फ्रिज में रखा रहता है पास ही में, जो भी चीज़ें हैं उठा के खा लेना है। पर सबसे मेन बात, चलो खाते हैं तो खाते हैं, पर आप दोस्तों ना ठंडी चीज़ खाने से बस यही चांस है सर्दी लगने का, और सर्दी से बहुत ज़्यादा बचाव करने की बहुत वो है। और ये यहाँ पे तो क्योंकि ये सर्दी जो है ना बहुत ख़राब होती है। और ये देखो दोनों भाई में प्यार हो रहा है, आए प्यार करते ही करते, ये देखो मेरे बड़े वाले के ना ये सीधे ही डायरेक्ट वाले ही पकड़ते हैं, पता नहीं ऐसे ही दोनों में ऐसे ही करते हैं। और प्यार भी होता है ऐसे भी करते हैं, बस ऐसे ही दोनों में चलता रहता है। मैं तो सोचती देखो तुम लोग करो, पर मेरे को बीच में मत, तो मैं किसी को नहीं बोलती। मैं बोली मैं तुम लोग अच्छे बन जाओगे, मैं ख़राब बन जाऊंगी। और ज़माना भी ऐसा ही है दोस्तों, किसी को बोलने लायक नहीं है। तो बस मेरा यहाँ पे मैं दोस्तों आ गई यहाँ पे, और ये दोस्तों हैं सुबह का, ये मैं सुबह का थोड़ा मतलब रिकॉर्ड कर ली थी, और वो मेरा हाथ पैर का, तो ये सुबह का है, सुबह के टाइम का है, तो इधर मैंने इसको ऐड करी, इसमें ही मैंने वो कर ली। तो ये हैं बाहर ना, इनको मैं ब्रश करा रही थी तो ये मान नहीं रहे थे, नहीं कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के मेरे ही को, मतलब मेरे को नचा देते हैं। मतलब कुछ जब ब्रश कराने के लिए बोलो या खिलाने के लिए बोलो, उल्टा मेरे को ये बोलते हैं ना आजकल जो बच्चे हैं ना, मेरे से बोलो चुप करो, तुम ज़्यादा मत बोलो, ये बोल रहे थे मेरे को चुप करो। तो मैं बोली थी लो मैं ब्रश कराने के लिए बोल रही हूँ तो मेरे को चुप करा रहे हैं इतना, और ऐसे ही कर रहे थे। तो मैं इनके पीछे पीछे ऐसे ही घूमती जा रही थी ये कर ले। तो सुबह के टाइम दोस्तों ये मैंने इतना ही यहाँ पे थोड़ा मतलब रिकॉर्ड कर ली थी, ज़्यादा मैं नहीं बनाई थी। ये है एक दिन पहले का, मेरा एक दिन पहले का है, मैंने रिकॉर्ड की थी। तो देखो कहाँ चले गए, इतनी बड़ी छत है मेरी, देख सकते हो आप, बहुत बड़ी छत है। और ये देखो इनको पकड़ने गई तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही सोचा मम्मा मेरे पास आ रही, इधर को घूम गए। तो ऐसा कुछ दोस्तों मेरा दिन की मतलब दिनचर्या जो है शुरुआत होती है और बस ख़त्म होती है यहीं पे। क्या करूं, बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है, रह रही हूँ। बोलते हैं दोस्तों ना बच्चे के साथ, हम लेडीज़ को यही है, बच्चों के साथ रहना है, बच्चों के साथ खुश रहना है, बच्चों के साथ हंसती हूँ मुस्कुराती हूँ, बच्चे के साथ मेरी शुरुआत होती है, बच्चे के साथ सब कुछ यही है। और दोस्तों सब ऐसे ही चलता रहता है, बस सुख दुख तो सभी के साथ है, और सभी कोई दुखी है कोई तो बहुत खुश है, बस ये तो चलता ही रहता है। फिर मैं इधर आ गई थी, इधर देख रही थी अंदर ना, आज मैं झाड़ू लगा रही, मैं सोची झाड़ू लगा दूँ, उसके बाद दोस्तों ये झाड़ू वगैरह लगा के नाश्ता वगैरह मैंने सब कुछ तैयार की हूँ दोस्तों। फिर मैंने मेरा आज मन बहुत ख़राब था, अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोची थी ना पूरा का पूरा ब्लॉग बनाऊंगी, नाश्ता वगैरह जो भी बनाई हूँ सारा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर मैं सोच के ना ब्लॉग भी बहुत ही लंबा बन जाएगा, और ये इतना लंबा नहीं ठीक है। तो ये पंखा वगैरह तो हो रही है ठंडी, अब ये पंखा वगैरह जो है ना उठा के मैं रख दूंगी इधर साइड में, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और मतलब वैसे तो साफ़ सुथरा है, इसको रखूँगी साइड में। और दोस्तों और बताओ कैसे हो, यहाँ मेरी लग गई है झाड़ू। झाड़ू लगने के बाद में मैं देख रही हूँ किचन में, और क्या करूं, थोड़ा ऊपर से जो है ना मैंने गलती किया ना, पहले मैं लगा ली हूँ नीचे नीचे से झाड़ू, ऊपर मेरा ना ऊपर मैं ध्यान से देख ही नहीं, ध्यान मतलब अब क्या करो, मतलब मन कभी कभी ना बहुत वैसा होता है, पता नहीं आप लोगों से मैं सारा कुछ शेयर कर देती हूँ, मुझे मतलब ना मेरे को ऐसे लगता है ना मैं आप लोगों से शेयर करके ना बस हर एक बात शेयर करूँगी तो मुझे पता नहीं मुश्किल, मतलब जो भी मेरा प्रॉब्लम है जो भी जैसे भी है ना तो वो मैं वो हो जाएगा। तो दोस्तों इधर मैंने ले ली हूँ थाली ले ली हूँ, अब मुझे ना आटा मैं गूँधूँगी, बैठ के आटा गूँध लूँगी। और अभी मैंने जैसे चाय वगैरह जो भी है ना अभी मैंने रखी, कुछ भी नहीं हूँ, और टाइम विशेष ज़्यादा नहीं हुआ है। और आज का दिन जो है ना ये है संडे का दिन, संडे का है तो मेरे को आराम आराम से करना है, वही बच्चों के लिए मैं बना दूँगी परोठा वगैरह, और ही नाश्ते में थोड़ा बहुत बनाऊँगी। ये मैं डाल रही हूँ, इधर आप सोचोगे क्या डाल रही हूँ, तब मैं डाल रही हूँ जीरा है और नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, इसमें ही डालूँगी आटा थोड़ा सा, और आटा डालने के बाद में गूंद लूँगी बैठ के। और आप लोगों से कर रही थी बातें ऐसे, मैं सोची बात करती जाऊँगी, मैं अपना काम करती जाऊँगी। तो ये दोस्तों ये मेरी कुछ लाइफ है, ऐसा मैं रहती हूँ, ये मेरा सब ऐसा ही है।
और जो भी है आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, जहाँ पे रहती हूँ वो तो पूरा मैंने दिखाई ही दी हूँ। और दोस्तों आपकी ना मन मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, एक ही जगह पे रहते रहते बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। अब मन जो है ना, कभी कभी होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता होगा, मन बहुत ख़राब हो जाता है, ऐसा लगता है कहीं यहाँ से चली जाऊँ, कहीं शांति से आराम से कहीं घूम के आऊँ, ऐसी जगह से घूम के आऊँ ना अच्छा लगे जहाँ, ऐसा कभी कभी मन करता है। पर जो सोचो दोस्तों वो नहीं होता है, और क्या बोलूँ, बस इधर मेरा आटा गूंदेगा, आटा गूंद के थोड़ी देर रख दूंगी, उसके बाद में जो भी बनाना है बनाऊंगी। देखो मैं क्या बोल रही थी ना, ऊपर से जो है ना मैंने क्या नाम के लिए चूल्हा नहीं साफ़ किया था, चूल्हा मेरा साफ सुथरा आपको भी नज़र आ रहा होगा, आप भी सोचोगे ना मंजू कितना वो बोलती है वैसा बोलती है। दोस्तों सॉरी, मेरे दिमाग से ना बात वो मतलब ध्यान नहीं रहा मैं क्या बोल गई। तो मेरा बिल्कुल साफ़ है, ऊपर से देख सकते हो पूरा ही साफ, चूल्हा वगैरह साफ़ है, बस थोड़ा सा आटा ये गूंद के मैं और इसका ही मैं बना दूंगी वो क्या नाम की परोठा वगैरह बनाऊंगी। और वो भी दोस्तों ना मैं क्या बनाऊंगी ना, आलू के परोठा बनाऊंगी, आलू के परोठा बना के रख दूंगी और सभी के लिए हैं, और तो देखती हूँ और किसी के लिए भी हैं, खाएगा तो खाएंगे, नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, वैसे फैमिली में भी तो खाएंगे सब, और भी कोई है खाने वाला तो देखें, खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं। तो दोस्तों ये मेरा ब्लॉग था, अगर अच्छा लगता है आप लोगों को प्लीज़ तो मुझे फुल सपोर्ट करो, मैं आप सभी के बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट के लिए बहुत बोल रही हूँ। तो आप सभी से जो समझने वाले हैं वो तो समझ जाएंगे, जो नहीं समझने वाले हैं वैसे मेरे फ्रेंड तो सभी अच्छे हैं, समझते हैं मुझे, ऐसी बात नहीं है। और बस डेली का रूटीन दोस्तों आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करती हूँ, क्या खाती हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या पहनती हूँ, क्या उड़ती हूँ, तो सभी कुछ आपने देख ही लिया है। बस दोस्तों सपने कुछ मेरे भी हैं, सपने तो बोलते ना, सपना देखना बुरी बात नहीं है, सपने तो सभी देखते हैं, तो मेरे भी कोई सपने हैं, तो अगर आप लोग पूरा कर दोगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी पूरी बात, मतलब जब पूरा होगा तभी शेयर, बोलते हैं ना सपना पूरा होना चाहिए तभी बोलना चाहिए, और सबसे पहले मैं आप ही लोगों के साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी हर बात आप लोगों के साथ शेयर करके मुझे खुशी मिलती है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता होगा पर मुझे तो बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैं आप लोगों को ना अपना फैमिली मानती हूँ, पूरा फैमिली पूरा, जो मैं क्या बोलती हूँ, एक खुशी मिलती है मुझे, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, और आप लोग से मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों इसी ब्लॉग में आप लोगों से मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, जैसे मेरा ना मन बहुत ज़्यादा ना, आप कोई तो मेरे को राय देगा और कोई तो ज़रूर बताएगा, मुझे ना अंदर से बहुत बेचैनी होती है, पता नहीं कैसा लगता है, जैसे अकेलापन ऐसा कभी कभी महसूस होता है, एकदम अंदर से ना दिल मेरा ना कभी जैसे एकदम से धड़कने लगता है ज़ोर ज़ोर से, और जैसे जैसे बहुत अकेलापन जैसा महसूस होता है ना, पता नहीं क्यों। आप लोगों के साथ शेयर मैंने कर दी हूँ, पर प्लीज़ दोस्तों अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ ब्लॉग को, अब मैं मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ, अपना ध्यान।